हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनवीर एंड वेलकम टू ऑल टुडे इन न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, रात का 1 बज रहा है और अभी मदरसे खुल चुके हैं तो अभी ऑर्डर नहीं आ रहे इस टाइम में। रात के जैसे 12 बज जा रहे हैं तो ऑर्डर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो आप भी अगर ऑर्डर कर रहे हो तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि रात को ऑर्डर नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 जैसे बज रहे हैं, अभी मदरसे खुल चुके हैं तो जैसे स्कूल खुल चुके हैं 12 बजते ऑर्डर ख़त्म। तो सुबह में काम करो तो अच्छा है, रात में पहले आते थे, अभी लोग बहुत जल्दी सो रहे हैं तो तो इसीलिए रात में ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो मैं कई दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, बीच बीच में कभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप सबका शुक्रिया। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू और जो अभी नए देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि वो आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाएं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं एक सीरीज़ नई लॉन्च करने वाला हूं, जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं वहां पर मैं आपको शो करूंगा। क्योंकि अक्सर लोगों का कमेंट यही होता है कि भाई डेली पर डे कमाते कितना हो, हर किसी का यही होता है कि डेली कमाते कितना हो, मंथ का कमाते कितना हो, कितने ऑर्डर होते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा जिसमें मंडे और फ्राइडे हफ्ते के दिन, यानी संडे में और मंडे में, किसी भी हफ्ते में एक दिन आपको वीकली इनकम दिखाऊंगा, डेली इनकम दिखाऊंगा। उसमें एक 10 मिनट के वीडियो में 5 मिनट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और 5 मिनट के अंदर मैं उसमें लूँगा कि पिछले 7 दिनों में पर डे कितना कमाया है और वीकली पूरा वीक कितने का गया है। जिस तरह आज भी संडे है तो आज संडे कम्प्लीट हो गया, मंडे हो गया, संडे के दिन रात को 12 बजे यानी जैसे मंडे स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पिछला पूरा वीक कंप्लीट होके वहाँ पे दिखाता है कि वीकली पेमेंट कितना हुआ, यानी पूरे वीक भर में आपने क्या अर्न किया है उसमें पूरा शो करता है। फिर खर्चा क्या है क्या नहीं वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो, कुछ भी सवाल का जवाब पूछना हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कुछ भी, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और बहुत से लोग इस तरह का भी कॉमेंट करते हैं, भाई मेरा टिकट हो गया, मेरा वीज़ा लग गया। तो भाई वीज़ा लग गया मेरा, वीज़े का तो मेरा ऑफिस नहीं है ना। बहुत से लोग पूछते हैं, उनको मैं जवाब भी देता हूँ, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी आकर पूछते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे जवाब मांगते हैं, मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ जहाँ तक मेरे से होती है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी खड़ा हुआ हूँ मैं अलबैक के पीछे और एक और भाई का कॉमेंट था, उसका एक भाई का कमेंट था, वो कह रहा था कि मेरा हंगर स्टेशन अच्छी कंपनी नहीं, इस तरह से उनका एक सवाल था। तो मैंने उनको पूछा जवाब में, कि अच्छी कंपनी क्यों नहीं है। तो वो कह रहा है कि मेरा वीज़ा लग गया है जून में और अभी तक जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना हो गया और अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है कंपनी ने। तो मैं उस भाई के लिए बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो जो पैसा आपने एजेंट को दिया है उसी पैसे के अंदर आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, इमिग्रेशन होती है, PPC जो अभी बन रही, पुलिस वेरिफिकेशन, वो सब होती है, सब कुछ उसी पैसे के अंदर होता है जो एजेंट को दिया है। और वो भाई कह रहा था कि 50,000 मेरा खर्चा हो गया, आपका खर्चा 1 रुपया भी नहीं होता, खाली अगर आप दिल्ली से कहीं भी दूर रहते हो तो दिल्ली तक आना जाना आपका खर्चा रहता है, मेडिकल का रहता है, मेडिकल 5,000 के आसपास या 6,000 के आसपास आपका मेडिकल होता है, उतने का आपका खर्चा रहता है, ठीक है। अगर 1.5 लाख आपसे एजेंट ने ले लिया है और एजेंट बोल रहा है कि कंपनी टिकट देगी तो कंपनी टिकट नहीं देती है, ठीक है। कंपनी वीज़ा निकालती है, वीज़ा वहाँ से ऑफिस में भेजती है और ऑफिस से फिर वीज़े वो लोग सेल करते हैं, जबकि सेल नहीं करने चाहिए लेकिन वो सब सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो ऑफिस सऊदी अरब में है वो सऊदी अरब में पैसे लेते हैं उनसे कि हम आपको आदमी मंगा कर देंगे और वो फिर इंडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, इंडिया वाले उधर पैसे लेते हैं कि हम आपको काम दे रहे हैं तो इसलिए मुझे पैसे दो, ठीक है। तो इस तरह का सारा मसला होता है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, तो आपको अगर जवाब मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं BL बैग पे खड़ा हूँ, ऑर्डर अभी रेडी नहीं हुआ है, भाई साथ में वो अभी गया है ऑर्डर लेने के लिए। और अक्सर लोगों का सवाल आता है, पहले तो कहते हैं जो सऊदी के अंदर है उनकी बात कर रहा हूँ, कि भाई मेरे पास काम नहीं है और पैसे, जब किसी के पास काम नहीं है, कोई कह रहा मैं 1 महीने से खाली बैठा हूँ, कोई कहता मैं 4 महीने से खाली बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास 4 महीने से काम नहीं है तो पैसा भी नहीं होगा, तो पैसा नहीं है तो फिर कहाँ से काम करोगे।
मैंने किसी को सलाह दी थी कि मेरे भाई आप मोटरसाइकिल लेके काम शुरू कर दो, वो कहते हैं फिर पुलिस पकड़ेगी तो क्या बोलूँगा, ये पकड़ेगी तो क्या बोलूँगा। तो अगर आपको लीगल काम करना है तो फिर आप एक गाड़ी खरीदो अपने नाम से, 30,000, 40,000, 50,000 जितना अच्छा आप खरीद सकते हो, फिर अपना अकामा बड़ा कराओ, किसके मायने छोटे हैं, किसी का कुछ है मायना छोटा कराओ, फिर आप दिन दिन में काम करना। तो पहली बात तो काम है नहीं आपके पास, दूसरी बात आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप कह रहे हो इलीगल है। तो अगर लीगल आपको चलना है तो कार खरीदनी पड़ेगी, अकामा आपका बड़ा होना चाहिए, या तो कंपनी के अंदर हो, कंपनी का इकामा हो, रुखसा हो, और इस्तेमारा कंपनी का ही होता है। इस तरह से इलीगल है कि किसी कंपनी के नाम पे आपकी आईडी है और कंपनी आपको सैलरी पे करती है और आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक लीगल हो गया। और इलीगल तो दुनिया कहती है कि सऊदी पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, ये हो जाएगा। मैं भी पिछले 5-7 साल से सऊदी में हूँ, मुझे तो आज तक पुलिस ने नहीं पूछा। अगर पूछती पुलिस क्या पूछेगी, अकामा कहाँ है आपका, तो अकामा तो सभी के पास है, लाइसेंस क्या है आपका, लाइसेंस भी सभी के पास है, और क्या पूछेगी पुलिस। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर किसी के पास काम नहीं है तो उसको अगर बताएं तो वो बहुत सोच सोच के बंदा परेशान होगा। अगर आपके पास काम नहीं है और काम करना है तो फिर सोचना थोड़ा कम करो और काम करना थोड़ा ज़्यादा करो, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अक्सर सवाल जो आपके आते हैं, लाइसेंस कौन सा चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए, तो अगर आपकी आईडी, एक मिनट, अगर आपकी आईडी कंपनी के नाम पे बनी है या आपकी आईडी आपके ही नाम पे बनी है तो आईडी बनने की बात है, बस अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, फिर आप कोई भी गाड़ी यूज़ करो, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ऑर्डर लेके आता हूँ, उसको डिलीवर करता हूँ तो आपको शो करता हूँ।